सब गाइस, मेरा नाम है निशान। आप देख रहे हो टेक्निकल बिना को टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैट जीपीटी के बारे में। तो आपने अभी से, मतलब कि क्या, बहुत दिन से आप सोशल मीडिया में कहीं भी, आप इंटरनेट पे कहीं भी देख रहे हो भैया चैट जीपीटी का नाम नहीं सुना, तो मेरे को लगता है ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अब चैट जीपीटी देखिए है क्या, ये ओपन एआई वालों ने एक तरह से क्रोम को बीट करने के लिए उन्हीं के उसमें बनाया है। इसमें क्या है, आपको कोई कंटेंट राइटिंग करनी, ईमेल राइटिंग करनी, स्कूल का काम करना, असाइनमेंट करना, प्रोजेक्ट पर करना है, और कोई लेटर लिखना, कोई असाइनमेंट करना, आपको कोई भी काम करना, आप बस इसमें टाइप कर दीजिए, ये आपको वही ऐसी लैंग्वेज में निकाल के दे देगा जो कि आपको कॉमन लेमैन्स लैंग्वेज में हो। और ऐसा लग रहा है कि आप किसी एआई बॉट से बात नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। आपको हिंदी आती, इंग्लिश आती, फ्रेंच आती, तमिल आती, मराठी आती, मलयालम आती, जो आती, जिस लैंग्वेज से पूछोगे वो आपको बता देगा। खैर, तो ये वीडियो आप पूरी देखना कैसे इसको यूज करा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस चैट जीपीटी ने 5 दिन के अंदर 10 लाख रजिस्ट्रेशन करा ली, मतलब 10 लाख अपने अंदर अकाउंट बना ली है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, जो कि फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, नेटफ्लिक्स को बहुत ज्यादा टाइम लगा, आराम से 5-6 महीने लगे थे 10 लाख का क्या कहते हैं आप, कस्टमर बेस बनाने में, या फिर आप कंज्यूमर बेस बनाने में। इसने क्या करा है कि 5 दिन के अंदर 10 लाख लोग को अपने अंदर रजिस्टर, आप सोच के देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक, कितना ज्यादा बढ़िया चीज ओपन एआई वालों ने बनाया, जिसका नाम है चैट जीपीटी। तो खैर, इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट कैसे बनाए, तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा एंड तक, और स्टेप बाय स्टेप कोई भी आप स्टेप मिस मत करिएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने खुला हुआ है गूगल क्रोम आपका, यहाँ पे हमको सिर्फ नॉर्मली टाइप करना है चैट जीपीटी। अब जैसे हम चैट जीपीटी में आ गए, सामने आपका ओपन एआई वालों का बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये ओपन चैट। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं, कंटेंट राइटर, कुछ भी भैया आपको काम करना है, ये इतनी ईजी लैंग्वेज में और इतनी बढ़िया लैंग्वेज आपको बता देगा। तो सामने इसी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसमें आप क्लिक कर देंगे, आपको पूरी इनकी वेबसाइट, खैर मैं डेस्कटॉप साइड पहले कर दूँ, ये देखिए पूरी चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आ जाएगी। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, ब्लॉग, जो भी चीज़ें आपको करनी है, सारे इसके फीचर चैट जीपीटी के, जो भी चीज़ें, वो आपके यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमको कैसे यहाँ पे अकाउंट बनाना है, तभी आप इसके, इनकी जो सर्विस है अभी कैसे चीज़ वर्क करती, अब आप उसके बाद ही इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ट्राई चैट जीपीटी लिखा हुआ, यहीं पे इसको हमें क्लिक कर देना है। जैसे इसमें आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन का मतलब ये, अगर आप पहले से आप अकाउंट बना चुके हैं, आप वापस में अपना वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, ओपन हो जाएगा। लेकिन हमको नए तरीके से यूज़ करना हो, कैसे, आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वैसे आप करेंगे तो बहुत अच्छे से जल्दी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। साइनअप पर हमको क्लिक कर देना है। साइनअप पे जैसे ही हम इसे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा लोड दे रहा है सामने, जब यहाँ पे आप देखिए आपके सामने ये बन के आ गया है। ऐसे ही आपको इस पर लॉगिन करना, वेरीफाई मेनू जाना, मतलब कि मेरे को अपने जो मेरा मेल आईडी, वहाँ पे मेरे को जाना। जल्दी मैं अपनी मेल आईडी पे जाऊँगा, जिस मेल पे मेरा वो आने वाला, वहाँ पे मेरे को जाना, वहीं से ये वेरीफाई हो सकता, वरना उसके अलावा ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे मेरे को जाना है। सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन एआई लिखा हुआ ही सामने मेरा आ गया है। अब मेरे यहाँ पर वेरीफाई ईमेल में क्लिक कर देना, ये मेरा वही गूगल क्रोम पर रीडायरेक्ट कर देगा पेज को, और मेरा वहीं पर खुल जाएगा। तो वहाँ पे जाके मेरा इसको फ़ौरन वहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को अपना नाम डालना है, जो मेरा नेम है ALISHAN, यहाँ पे अपना लास्ट नेम है LIKE, निशान मेरे डाल देते हैं, और अपना हमको फ़ोन नंबर डालना है। तो फ़ोन नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, अब मैंने इस पर यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे कोड आएगा, वो कोड मेरा आएगा व्हाट्सएप में। तो खैर, व्हाट्सएप में मेरा कोड आ गया है, मेरे को वहाँ पे जाके उसको देखना पड़ेगा। ओपन एआई वालों ने भेजा, देखिए आपके सामने आएंगे 61884। अब मेरे को वो यहाँ पे डालना है 61884, और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा मेरा। अब इसके बाद से मैं इसको जो भी चाहूँ वो इनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी आपको कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाते हैं, ये है कि ये अभी तक का फ्री, आप इसको अभी आप इसको यूज़ करना चाहो तो अभी इसको फ्री आप यूज़ कर सकते हो, वरना आने वाले टाइम पे इसमें शायद पेड वाला लगा दीजिए। जैसे कि नेटफ्लिक्स में आपको पैसे दे के आप यूज़ करते हो, गूगल में कुछ चीज़ में आप पैसे दे के यूज़ करते हो स्पेस वगैरह के में, वैसे इसमें भी आपको शायद पैसे देना पड़ सकता है। ये मैंने इसमें क्लिक कर दिया, और यहाँ पे ये कलेक्ट डाटा कहाँ से करते हैं, सब इंटरनेट से ही लेते हैं हम। तो इसमें एक सर्च करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मशीन है वो 100 सर्च करके हमको रिफाइन करके जो भी इसका आंसर होता है वो मेरे को मिल जाता है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें कैसा फीडबैक, वो सब चीज़ें आपको देने को मिल जाती हैं। खैर, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं डेस्कटॉप साइड कर दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, इन सब चीज़ों से है, आप इन सब चीज़ों में लिमिट करके आप काम कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप कुछ भी चाहे यहाँ पे सर्च कर लीजिए, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसी देखने को मिल जाएंगी, उसके बाद ही आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे साइनअप पे जाना है, साइनअप पे नहीं जाना, मेरे को लॉगिन पे जाना पड़ेगा कि मैं अपना अकाउंट बना सकूँ। जैसे साइनअप पे मैं जाया, वैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ताकि फिर से क्या किसी को वैसे करना हो तो वैसे भी कर सकता है। यहाँ पे मेरे को अपना डालना ईमेल एड्रेस, मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला यहाँ पे,
और यहाँ पे मेरे को पासवर्ड डालना है अपना, पासवर्ड मैंने पेस्ट करा और ये देखिए मेरा छट से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा कोई बिना कोई प्रॉब्लम के। तो मैंने आपको दोनों ही प्रोसेस कैसे आपको लॉगिन करना है कैसे क्या करना है, तो जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ ये देखिए एग्जाम्पल के मैं जैसे आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पे आपको टाइप करनी है आप जैसे कैसे 10 साल की चीज़ें बहुत सी चीज़ कैपेबिलिटीज़ में आपको देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं और लिमिटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ चीज़ आपको गलत भी देखने को मिल सकती है। जो यहाँ पे डाटा है आपको 2021 का आपको आराम से देखने को मिलेगा। अभी नीचे आपको सर्च का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको जो भी आप चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को बस मेरे को हाई भेजना है ठीक है, ये देखिए मैंने हाई ऊपर भेज दिया। अब यहाँ पे देखिए हेलो हाउ आर यू आई हेल्प यू टुडे, जैसे कि ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। जैसे मैं तो मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज़ चैट GPT, मैंने ये सर्च कर दिया ठीक है। अब देखिए ये मेरे को खुद ही आंसर दे रहा है, मैं खुद टाइप नहीं करूँगी, देखिए खुद ये बता रहा है कि क्या चीज़ है कैसे वर्क करता है। तो ऐसी आप चाहिए यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जैसे कि आपको कोई भी असाइनमेंट मिला है, आपको जैसे कोई चीज़ किसी के बारे में ऐसे लिखना है तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। व्हाइट कलर पे मैंने इसको बोला है कि ऐसे लिखने को और 500 वर्ड का होना चाहिए। देखिए आपके सामने वो चीज़ का आपको यहाँ पे ऐसे लिख के दे देगा, यहाँ से आप जो भी आप चीज़ें चाहें यहाँ पे आप कॉपी करके अपने उसमें पेस्ट कर सकते हैं, आप जो भी आप चाहें वो इसमें कर सकते हैं, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप। और ये ऐसे एक्यूरेट आंसर तो नहीं, मतलब कुछ हद तक आपको एक्यूरेट दे देगा, गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हैं, आपको वो आंसर भी ऐसे दे देगा जो आप चाहे जैसे उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। और इनके आंसर इतने जेन्युइन होते हैं और ये इनके बहुत ज़्यादा तक खतरनाक वाले को इंग्लिश देने को मिलती है, इतनी ईजी टू लैंग्वेज होता है, जैसा चाहें आप वैसे आपको मिल सकता है। ये देखिए आपको पूरा 500 वर्ड का वो आपको यहाँ पे ऐसे वगैरह चीज़ें लगे दे देगा। तो भैया ये थी आज की वीडियो, अगर आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो का स्टेप टू स्टेप इस्तेमाल करिएगा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ, कैसे मैंने पासवर्ड डाला, कैसे क्या करा, आप ऐसे करें तो इसमें अकाउंट बना लेंगे। और खैर इतना ईजी 2-3 मिनट लगता है मैक्सिमम, वो मेरा इशू थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा था, इस वजह से वीडियो थोड़ी इतनी एक्सटेंड हो गई है, वरना इतनी लंबी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। खैर बाकी इस वीडियो की आपने देखा, आप खुद आप धीरे धीरे खुद देखिए ChatGPT अगर अभी अकाउंट बना लेंगे तो भैया फ्री है, वरना आने वाले टाइम पे जैसे कि आपने देखा होगा Amazon Prime वगैरह में नोटिफिकेशन को पैसे देने पड़ते हैं, वैसे इसमें भी शायद आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा AI वर्ल्ड ने बहुत बढ़िया काम करा है, इतना अच्छा काम करा है कि आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप कंटेंट राइटर, कोई भी आप काम इसमें बहुत आराम से इसमें कर सकते हो। खैर अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो फिर जाके अकाउंट बना लीजिए, इसको फ्री जितना यूज़ कर सकते यूज़ कर लीजिए। और खैर आज की वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।